हे गाइस, तो चलिए आज देख रहे हैं यूपी टेट का रिजल्ट। देखो कल रात को आ गया था मोस्टली वेबसाइट, लेकिन चल नहीं रही थी। मैंने कहा चलो सुबह देखते हैं, तो अब सुबह है। मैं देखो इस पे भी खोल के बैठा हूँ, मतलब इस पे भी और यहाँ भी, दो तीन जगह खोल के बैठा हूँ, लेकिन खुल ही नहीं रहा था। तो अब वेबसाइट थोड़ी सी क्लियर हो रही है, अगर आपको दिख रहा हो। मैं सरकारी रिजल्ट ओपन कर रहा हूँ, इसमें जो यूपी टेट वाला ऑप्शन आता है पहली वाला, उस पर क्लिक करा मैंने। देख रहे कि वेबसाइट खुल रही कि नहीं खुल रही, और इसमें तो नहीं खुल रही यार, थोड़ा स्लो है। मैं तो वेबसाइट नहीं खुल रही, मैंने काफी बार ट्राई करा है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा इसमें। हाँ, इसमें थोड़ी ओपन हो रही है, देखो वेबसाइट। अब देखते हैं कि इसमें खुल पा रहा है या नहीं खुल पा रहा है। हाँ, ये देखिए, ये ओपन हुई है इसमें। अब इसमें डालना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड याद है और मोस्टली इसमें सेफ भी है। हाँ, ये वाला तो मैंने डाल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, और अब डाल रहे हैं पासवर्ड। पासवर्ड तो डाल दिया, कैप्चा कोड डालना है MPQ। कैसा रहेगा रिजल्ट, सब परेशान है। मैं एक बार दे चुका हूँ तो मुझे ऐसा है नहीं कि मैं फेल हो जाऊं, कोई ज्यादा इशू नहीं है। अब देखो ये रनिंग हो रही वेबसाइट, और ये खुल गई, बहुत ही फटाफट चल रही है। अब ये आ रहा है, देखो मेरा ऊपर दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा है तो इसमें प्राइमरी और ये शेड्यूल वगैरह क्या लिख के आ रहा है। मेरा नाम है झांसी, मैंने सेंटर डाला था, तो ये दिख रहा होगा आपको। अब खोलें पहले किसका, प्राइमरी का खोलें या अपर प्राइमरी का खोलें, तो जिसमें ज्यादा नंबर होंगे पहले वो खोलना चाहिए। तो किसमें है अभी तो कुछ गैस नहीं है, तो मोस्टली पहले प्राइमरी वाला खोलते हैं। सबसे पहले ऊपर आ रहा है प्राइमरी वाला, इसमें क्या करना है, शो एंड प्रिंट रिजल्ट, और ये ओपन हो रहा है। वाह, कितने नंबर आया यार, 132। तो ये देखो, इसमें ये जो दिख रहे हैं आपको दिख रहे होंगे, तो ये ही नंबर है, 8 अप्रैल 2022 लिख कर आया, नाम आकाश दुबे, और ये मेरा ही है। तो ये प्राइमरी लेवल का जो मार्क्स है मेरा है 132 नंबर। और अब ऐसा नहीं कि भैया मैंने यूपी टॉप करा हो, ठीक है यार, एवरेज मार्क्स है, कोई नहीं, काफी बच्चों के प्रीवियस ईयर रिपीट हुए थे क्वेश्चन, तो सबने कर लिए, तो कोई ज्यादा बड़ा इशू है नहीं। अब इसका देखते हैं, वापस चलते हैं अपर प्राइमरी में कैसा क्या रहा इंटू। अरे यार, नो 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 नो, हाँ ये फिर से वापस आ गए, इस पर आ गए, प्राइमरी के बाद नीचे लिखा है अपर प्राइमरी वाला, तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, और ये क्या रहा है, और ये है, ये वही खुल गया क्या, 132 अपर प्राइमरी, दोनों में ही सेम नंबर है। इसमें भी देखो भाई, मैंने कहा 132 132, ये ऊपर लिखा है अपर प्राइमरी, मतलब क्या यार, दोनों में ही सेम नंबर है। देखो ए मैं पहले इसमें खोल चुका था, तो मैं आपको दिखा रहा, इसमें शायद डला है, हाँ ए देखो, इसमें दिख रहा है प्राइमरी लेवल, अगर आप देख पा रहे हो, डिफरेंट है नहीं। तो ए मेरा रिजल्ट था, मैंने जैसे भी जो भी करा हो, ए था फाइनल रिजल्ट। और आप बताइए आपका कैसा रिजल्ट आया, कमेंट करके आपको अपने मार्क्स बताने। एक बार मैं चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वहां से। हाँ, तो अब मोस्टली देखो आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम इन कर दिया है, ये देखो अपर प्राइमरी का रिजल्ट है मेरा, और इसके पहले है एक प्राइमरी वाला रिजल्ट, ये भी आपको दिख रहा होगा, दोनों में सेम नंबर ही है यार, क्या करें। तो अब आप लोगों को अपने मार्क्स कमेंट करने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज्ञान के साथ, और सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी का कुछ अभी फिक्स तो है नहीं, लेकिन आएगी यार, जरूर आएगी, जब यूपी टेट का रिजल्ट आ गया। देखो मैंने सुबह से मुंह भी नहीं धोया, ऐसे बैठा था, रात में वेबसाइट चल रही थी, सुबह से चला के देखा, तो ये रहा है आपका रिजल्ट आया, आपको बधाई हो। आप अपने नंबर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम और नंबर के साथ मैं जरूर आपका नाम लूंगा, और बस थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।